ओ नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल खान सिस्टर 786। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खान सिस्टर 786 में। तो आज आपकी खान सिस्टर आपकी एक नई वीडियो लेकर आई है, जिसमें वो आपको बताएगी कि अगर आपके भी सर्दियों में स्किन ख़राब हो जाती है तो आप कैसे उसको क्लीन कर सकते हो और कैसे आप सर्दियों में फेशियल कर सकते हो, वो भी घर पर। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हो तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हो। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। आपकी खान सिस्टर आपके लिए इस चैनल पर बहुत कुछ लाती है, तो प्लीज़ गाइस इसलिए हमारा सपोर्ट बने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके फैमिली वालों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत कुछ लाते हैं। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पसंद आ जाती है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कि आप आपकी स्किन को सर्दियों में कैसे क्लीन कर सकते हो और कैसे आप सर्दियों में फेशियल कर सकते हो। तो इसके लिए आप दूध यानी कच्चा दूध, जी हाँ, आप घर पर रखे हुए इंग्रेडिएंट से भी आपका फेशियल कर सकते हो। और इसके लिए आपको जो चाहिए वो है कच्चा दूध। कच्चा दूध हमारे लिए स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है ये मैं बहुत सी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, और आज की वीडियो में भी आपको मैं यही बता रही हूँ कि आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करके आपके फेस को क्लीन बना सकते हो, खूबसूरत बना सकते हो। और सर्दियों में यह आपकी स्किन के लिए कमरत का काम करेगी, क्योंकि ये आपकी स्किन को ड्राई होने से रोकेगी और आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाए रखेगी। तो कच्चा दूध आपके लिए बहुत कमाल का है। तो फेशियल में आप कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा और यह आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। अब बात करते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स की। बादाम का तेल, चीनी, दही, एलोवेरा जैसे प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके भी आप सर्दियों में फेशियल कर सकते हो। जी हाँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है, इन चीज़ों को भी आप सर्दियों के दिनों में इस्तेमाल करके आपके फेस को क्लीन बना सकती हो, खूबसूरत और गोरा बना सकती हो। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आप आपके चेहरे को हाइड्रेट कर सकती हो और आपके चेहरे को क्लीन और खूबसूरत बना सकती हो। इसके लिए आप इन सारी चीज़ों को मिलाकर अपने फेस पर मसाज करें तो इससे आपको कमाल का ग्लो आपके चेहरे पे देखने को मिलेगा और इसके रिज़ल्ट भी कमाल के होंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा, इससे यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे आपकी स्किन में बहुत ग्लो आएगा और बहुत खूबसूरत आपकी स्किन हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आप सर्दियों में कैसे फेशियल कर सकते हो और आपकी स्किन को कैसे खूबसूरत बना सकते हो। सर्दियों के दिनों में अक्सर हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, तो आप क्या करें, सबसे पहले आपकी स्किन को क्लीन कर ले। जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, कच्चे दूध से आप आपकी स्किन को अच्छी तरह से साफ़ कर ले, उसके बाद फिर आप स्क्रब करें। स्क्रब के लिए आप शहद और कॉफ़ी पाउडर ले सकते हो। इन दोनों को मिलाकर आप आपके स्किन पर स्क्रब की तरह काम कर सकते हो। जी हाँ, इन दोनों चीज़ों से आप आपके फेस पे स्क्रब कर सकते हो, इसके रिज़ल्ट आपको कमाल के देखने को मिलेंगे। तो फेशियल में सबसे पहले आप कच्चे दूध से आपके फेस को क्लीन कर ले, उसके बाद फिर शहद और कॉफ़ी पाउडर को मिक्स करके आपके फेस पे स्क्रब कर लो। इससे आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा होगा और आपकी जो भी फेस की गंदगी है वो निकल जाएगी। तो सबसे पहले आप ये करिएगा, उसके बाद आपको जो दूसरी स्टेप मैं बता रही हूँ उसके लिए आपको आपके फेस की मसाज करनी होगी। तो मसाज के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। स्क्रब के बाद आप आपके फेस को मसाज करें। मसाज के लिए आप एक अच्छे मॉइस्चराइजर क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल ना करें। एलोवेरा जेल ले और नारियल का तेल या बादाम का तेल उसमें मिला लें। दोनों में से एक तेल आप उसमें मिला लो और फिर आपके फेस की अच्छी तरह से कम 10 मिनट तक मसाज करें। मसाज से आपके फेस में टाइटनिंग आएगी, आपके फेस पे ग्लो आएगा और आपके फेस को रिलैक्स मिलेगा। तो इसलिए आप मसाज कम से कम 10 मिनट ज़रूर करें आपके फेस की। और जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं उन इंग्रेडिएंट्स का आप इस्तेमाल करके आपके फेस की मसाज जरूर करें और कम से कम 10 मिनट ज़रूर करें। अब मसाज जब आपकी 10 मिनट कंप्लीट हो जाती है तो आप सबको पता है कि मसाज के बाद अगला स्टेप क्या आती है। तो जी हाँ, मसाज के बाद आपको अगले स्टेप की तरफ चलना है, यानी कि फेस पैक। जी हाँ,
तो फेस पैक के लिए आपको, तो फर्स्ट मसाज के बाद आपको फेस पैक की ज़रूरत पड़ेगी, तो फेस पैक के लिए आप कौन सा भी फेस पैक ले सकते हो, यानी कि आप हल्दी और बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हो या एलोवेरा जेल और बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिला ले, या तो एक चम्मच आप बेसन ले ले, उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर को मिला ले और गुलाब जल से अच्छी तरह से पेस्ट बना ले और आपके पूरे फेस पे लगा ले 10 मिनट के लिए, फिर आपका फेस धो ले। या फिर आप बेसन ले सकते हो और उसमें एलोवेरा जेल मिलाकर उसको मिक्स कर ले और आपके फेस पे लगा ले। इन दोनों में से आप कोई सा भी फेस पैक इस्तेमाल कर सकते हो और आपके फेस को क्लीन, गोरा और खूबसूरत बना सकते हो। जो भी आपके फेस की दिक्कत होगी, ये फेशियल करने से बहुत हद तक वो कम हो जाएगी और आपके फेस पे यकीन मानिए बहुत अच्छा ग्लो आएगा। तो आज मैंने आपको फेशियल आपको सर्दियों में कैसे करना है घर पर ये बताया है घरेलू इंग्रेडिएंट से। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम इस चैनल पर आपके लिए बहुत कुछ लाते हैं, तो प्लीज़ गाइज इसलिए हमारा सपोर्ट बने और हमारे चैनल खान सिस्टर 786 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हमेशा दुआओं में याद रखते हैं, आप भी हमें दुआओं में याद रखें, हमेशा पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव सोचें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।